याद रखेंगे बीजेपी के विधायक यहाँ पर तख्तियों के साथ सरकार के खिलाफ, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो रामनवमी के त्यौहार के वैभव को कम करने की कोशिश की जा रही है और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। भगवान राम तो पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के हैं और जब से ये हेमंत जी की सरकार इस राज्य में बनी है लगातार इनकी हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाती है और लगातार जब से ये सरकार आई है हर साल महारामनवमी हो, कोई भी तरह का हिंदू का त्यौहार हो, हमेशा सरकार व्यवधान डालने का काम करती है और इस बार भी इन्होंने हजारीबाग सहित पूरे राज्य में इन्होंने व्यवधान डालने का प्रयास किया है, जो हिंदू समुदाय चुप नहीं बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी इशू को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को चलाएगी। सुना ये थे रणधीर सिंह, जिन्होंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया जाएगा। जाहिर सी बात है ये जो स्थितियां हैं लगातार पड़ती जा रही हैं कि हम रामनवमी भी मनाते हैं, सरहुल भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हम सबको जाति संप्रदाय के नाम पे बांटने का काम करती है। आज आप बताइए श्री राम जी किनके नहीं है, श्री राम जी तो निषाद जी के भी हैं और श्री राम जी सबरी जी के भी हैं, तो ये सरकार बांटने वाली कौन होती है। हम सब श्री राम जी का जयकारा लगाते हैं, सब लोग मिलकर के सनातन धर्म हम आज रामनवमी का पर्व मनाते हैं, शुरू से मनाते आए हैं, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं बांट करके और हम लोगों को विवाद में पड़ाना चाहती है। झारखंड को आज बांटने के लिए ये काम कर रही है, उसी के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपने सुना पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान में कोडरमा की विधायक नीरज यादव ने कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है, जिसके वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। बहरहाल तमाम पक्ष विपक्ष के विधायकों से बात की और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो वर्तमान सरकार है वो खासकर जिला हजारीबाग जिला में इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं कि वहाँ रामनवमी के त्यौहार को पूरे वैभव के साथ मनाने से रोका जा रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाड़े में कूदे और फुल उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।